Please start. Good morning friends, welcome to our YouTube channel NSE online classes. चलिए डेली का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और आज है 10 सितंबर. 10 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे. बस आप हमारे साथ बने रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए. अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा. तो चलिए आज का सेशन हमारा स्टार्ट होता है और ये देखिए आपके लिए फ्री मॉक दिया जा रहा है एनएससी की तरफ से. ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है. चाहे आप बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और आपको फ्री मॉक दिया जा रहा है. बस ये है कि आपको ऐप डाउनलोड करना, एनएससी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, दीपक, श्रेया, प्रेम, सिमरन, धर्मेंद्र, संदीप, पारुल, ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को. आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है. और इसके पहले देखिए एनएससी की तरफ से क्वांट इनसाइट, बोर्डमास, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसका चारों बुक लॉन्च कर दिया गया है एनएससी ऐप के थ्रू. आप इसे एनरोल कर सकते हैं और अभी तो ये बहुत अच्छा मौका चल रहा है आपके लिए. 40% का ऑफ चल रहा है तो इसे जरूर एनरोल कीजिए क्योंकि आपको तो एग्जाम्स देने हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं. अभी तो आपके 2-3 महीने, जैसे कि आरआरबी क्लर्क का मेंस हो जाएगा आपका 24 को, कुछ ही दिन में आरआरबी पीओ के भी रिजल्ट आ जाएंगे, वो हो जाएगा. एसबीआई क्लर्क ने भी वैकेंसी दे दी है, 2 महीने बाद उसका भी एग्जामिनेशन हो जाएगा. तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और इस बुक में आपको सारे वो क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हैं और प्लस जो आने वाले हैं, जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए ये बुक को बिल्डअप किया गया है तो आप इसे जरूर एनरोल कीजिए. तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. बताइए इंडिया गेट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है. विच हूज स्टैचू वाज अनवील्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी एट इंडिया गेट. अभी इंडिया गेट पे किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में. और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए. अगर आप सुन के भी आंसर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको ज्यादा याद होगा. और इसी के साथ चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, सिमरन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रेम, आशमी, ठीक है, ये सही है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा है अभी वहां पे बनाई गई, स्टैचू बनाया गया है कहाँ पे, इंडिया गेट में. और अगर बात करें तो ये 28 फीट का है. ठीक है, 28 फीट का है. और ये 23 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑलरेडी जो है इसका होलोग्राम स्टैचू यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, बट अब स्टैचू बना दिया गया है और इसीलिए ये न्यूज में है, तो ये याद रखिएगा. इसी के साथ आपको याद होगा कि ये कहाँ, इंडिया गेट. ठीक है, तो यहाँ जो राजपथ था उसका नाम बदल दिया गया. उसका नाम क्या कर दिया गया है, राजपथ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ. ठीक है, याद रखिएगा, कर्तव्य पथ कर दिया गया इसका नाम चेंज करके. इसी के साथ अगर बात करें तो ये जो आपका राजपथ होता है जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये किसको जोड़ता है, ये इंडिया गेट, सॉरी, ये विजय चौक से लेके इंडिया गेट को ये जोड़ता है. ये जो रोड है ये जोड़ता है, ये जो रोड होता है विजय चौक से इंडिया गेट तक, ये कितना किलोमीटर है, ये कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर. ठीक है, ये कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस है इसका. तो ये याद रखिएगा, रेलवे एसएससी में मोस्टली देखा जाता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो इसका जो नाम है राजपथ का नाम, ये तीसरी बार बदला गया है. जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय कुछ और नाम था, फिर राजपथ रखा गया और अब इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया. जब ब्रिटिशर्स के टाइम में इसका नाम क्या था, जब ब्रिटिशर्स थे उस समय इसका नाम क्या था, किंग्स वे. ठीक है, याद रखिएगा, किंग्स वे उस समय इसका नाम था, किंग्स वे. और अभी राजपथ हुआ और अब कर्तव्य पथ हो गया. चलिए सही है. अब स्टैचू की बात आ गई है तो अगर बात करें तो इस साल बहुत सारे स्टैचू पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनवील्ड किए गए हैं. आइए उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल देखते हैं. अगर बात करें तो आपको याद होगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी आंध्र प्रदेश में एक भीमावरम, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वहां भीमावरम जगह का नाम है आंध्र प्रदेश का, वहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी का वहां पे मूर्ति स्थापित किया गया था. उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो देखिए अल्लूरी सीतारमन राजू. ठीक है, सीतारमन राजू, इनका जो है मूर्ति अभी वहां पे स्टैब्लिश किया गया था, कहां पे, आंध्र प्रदेश के भीमावरम में. याद रखिएगा, 30 फीट ऊंची ये मूर्ति है.
30 फीट ऊंची ये मूर्ति है आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ अगर आपको याद होगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के मोरबी में भी एक स्टैचू का अनावरण किया गया था। गुजरात के मोरबी में कौन सा स्टैचू बना था, कौन सा स्टैचू बनाया गया था, तो ये था आपका हनुमान जी का मूर्ति बनाया गया था, एक ठीक है 108 फीट का हनुमान जी का मूर्ति बनाया गया था। ये भी बहुत न्यूज में चला था, तो ये याद रखिएगा गुजरात के मोरबी में। इसी के साथ आपको याद होगा भीमराव अंबेडकर जी की भी मूर्ति स्थापित की गई थी महाराष्ट्र में, ठीक है महाराष्ट्र के कहां पर, महाराष्ट्र के कहां, लातूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है याद रखिएगा लातूर डिस्ट्रिक्ट में भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रतिमा स्थापित की गई थी, ये भी अनावरण किया गया था। और इसी के साथ अगर बात करें तो ये 70 फीट ऊंचा है, ठीक है कितना फीट, 70 फीट ये ऊंचा है, इसको स्टैचू ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा स्थापित की गई थी शयन मुद्रा में, जिसको बोलते हैं शयन मुद्रा में इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा भी स्थापित की गई थी, कहां पर, तो ये था बोध गया, ठीक है बोध गया, चलिए सही है 27, ठीक है मुस्कान गुड मॉर्निंग, पारुल प्रेम शशि, ठीक है सपन। और अगर बात करें स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ पे बना है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ पे बनाया गया, किस जगह पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को, हैदराबाद, ठीक है ये बना है आपका हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी संत रामानुजाचार्य जी की, ये 216 फीट की प्रतिमा है, ठीक है 216 फीट की प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य जी की। इसी के साथ स्टैचू ऑफ पीस की बात करें, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ बना है, स्टैचू ऑफ पीस तो याद रखिएगा राजस्थान के पाली में, ठीक है राजस्थान के पाली में बना है स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है आचार्य वल्लभ भाई जी की, सॉरी आचार्य विजय वल्लभ जी की मूर्ति है वो। और अगर बात करते 151 इंच का ये मूर्ति है, ठीक है चलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, ठीक है सही है सबका आंसर, प्रेम सपन कोमल धर्मेंद्र सिमरन, ठीक है आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये देखिए कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल सूची में नहीं है, विच सिटी इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। अभी लर्निंग सिटीज की लिस्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आए थे, तो बताइए इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट इनमें से नहीं है जो कि लर्निंग सिटीज में शामिल नहीं है। चलिए ठीक है सपन प्रेम धर्मेंद्र, ठीक है आंसर आ रहा सबका, तो ये देखिए ये है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ये है जयपुर जो कि अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है, चलिए सही है। और ये यूनेस्को के द्वारा ये जारी किया गया था, मतलब नीलांबर ये है, त्रिशूर ये है, वारंगल ये भी लिस्ट में शामिल है। अगर बात करेंगे नीलांबर की तो ये कहाँ का है, ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, केरला, ठीक है ये केरला का है। त्रिशूर की बात करें, त्रिशूर कहाँ का है, केरला, ठीक है त्रिशूर केरला। और वारंगल की बात करें, ये तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट है, तो याद रखिएगा ये तीनों जो है अभी इसमें शामिल हुआ है। और इसी के साथ यूनेस्को की बात चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना हुआ था 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। और हेड कौन है इसके, इसके हेड कौन है, ऑड्रे ऑजुले, ठीक है ऑड्रे ऑजुले जो है इसके हेड है, तो हेड का भी नाम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसमें अगर बात करें तो 294 शहर शामिल थे, जिनमें से 76 कंट्रीज से 264 शहर शामिल थे इस लिस्ट में, तो ये भी डेटा याद रखिएगा। आइए बढ़ते आगे, चलिए ठीक है हिमांशु पारुल, ठीक है सिमरन श्रेयस धर्मेंद्र, सही है सबका। और देखिए यूनेस्को की बात है तो आपको एक याद आता होगा कि अभी यूनेस्को ने
बिहार के लंगर सिंह कॉलेज को अभी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की बात कही है। तो याद रखिएगा लंगर सिंह कॉलेज क्योंकि फेमस हो गया है, तो आपको उसकी जगह का नाम याद रखना पड़ेगा जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में है। इसी के साथ अगर बात करें, इंडिया को यूनेस्को में 2022-23 सेशन के लिए भी चेयरमैनशिप दिया गया था। याद रखिएगा यह 2022-23 के लिए चेयरमैनशिप दिया गया था, किसको? भारत को मिला था। चलिए ठीक है। और इंडिया का अगर बात करें हेरिटेज साइट्स की, तो 40वां टैंजिबल हेरिटेज साइट्स कौन सा है इंडिया, बताइए? वो है डोलावीरा गुजरात। ठीक है, सबका आंसर भी आ रहा बहुत लोगों का, ये है डोलावीरा गुजरात जो कि 40वां बना था। और अगर इनटैंजिबल की बात करेंगे तो वो था 14th नंबर का दुर्गा पूजा। ठीक है, 14th नंबर का था दुर्गा पूजा जो कि इनटैंजिबल लिस्ट में शामिल था, और ये भी यूनेस्को ही जारी करता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और यूनेस्को में अगर बात करें तो दो शहर शामिल है, यूनेस्को लिस्ट में दो शहर मात्र शामिल है इंडिया का, वो दो शहर कौन सा है? तो वो है एक आपका अहमदाबाद और दूसरा है जयपुर। ठीक है, एक है आपका अहमदाबाद और एक है आपका जयपुर, ये दो शहर जो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, तो ये दो शहर भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के पीएम ने कितने छात्रों को बाग बंधु शेख मुजीबुर रहमान भेंट किया? बांग्लादेश पीएम प्रेजेंटेड बाग बंधु शेख मुजीबुर रहमान टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को ये अवार्ड दिया गया है? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, बताइए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान से सम्मानित किया गया कितने स्टूडेंट्स को ये दिया गया है? ठीक है, सपन, प्रेम, हिमांशु, मौसम, मुस्कान। ठीक है, ये देखिए ये है 100। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स को ये दिया गया, 100 स्टूडेंट्स को, और किस क्लास के? 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये दिया गया। और वहां के पीएम कौन है? बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, नाम याद रखिएगा, शेख हसीना यहाँ की बांग्लादेश के पीएम है, और पहली बार ये दिया गया, फर्स्ट टाइम ये दिया गया है इंडिया में। और अगर बेसिकली बात करें तो 1971 में, ठीक है, 1971 में जो वॉर हुआ था, तो जो शहीद हुए थे यह बहुत ज्यादा जो है गंभीर हो गए थे, तो बेसिकली उनके बच्चों के लिए ये लाया गया है और उन्हीं को ये दिया गया है जो कि 10th क्लास में है, और 100 स्टूडेंट्स को ये दिया गया है। ठीक है, चलिए सही है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है हमारा 67th नेहरू ट्रॉफी किसे दिया गया, बताइए किस राज्य को अभी 67th नेहरू ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा शहर है, वो कौन सा शहर है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वो है केरला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है केरला जिसको 68th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए ये दिया गया है। ठीक है, बोट रेस के लिए। और अगर बात करें ये जीता कौन है, इसे जीता किसके द्वारा गया है, तो ये जीता गया है महादेवी का काडू काटुल तेखी थिल, ये पल्ला मूर्ति बोट क्लब। ठीक है, पल्ला मूर्ति बोट क्लब है, इसी में ये जीता गया। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखिएगा, दो तीन बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, और ऑप्शन देखिएगा तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जीता गया किसके द्वारा, इनके द्वारा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। और इसी के साथ अगर बात करें तो ये केरला के किस जिला में हुआ है, केरला का जिला बताइए जहाँ पर ये आयोजित किया गया 68 नेहरू ट्रॉफी को, तो ये है अल्फालूजा। ठीक है, अलाफूजा, ठीक है, अलाफूजा जिले में ये किया गया है, और यहाँ पे ओणम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, केरला में। और ये करीब अगर बात करें तो हर एक दो साल के बाद होता है। ठीक है, हर एक दो साल के बाद ये आयोजित किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो कंपटीशन हुआ है ये 9 कैटेगरीज में हुआ है। ठीक है, 9 कैटेगरीज में ये कंपटीशन को देखा गया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए। डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं, स्टेट्स आपको बता दिए जाएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, शिक्षा इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये किस दिन मनाया गया है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, किस तारीख को मनाया गया, डेट बताइए। चलिए
चलिए ठीक है, ये है 9 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया गया है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ अगर बात करें किसके द्वारा ये किया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पोस्ट करती है, तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये कराया जाता है। और ये 2020 से ही स्टार्ट किया गया है, ठीक है, 2020 में ही इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए ठीक है, और देखिए 8 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 8th of September क्या सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। 5 सितंबर की बात करें, 5 सितंबर को क्या मनाया गया, चैरिटी डे, ठीक है, चैरिटी डे और टीचर्स डे मनाया जाता है, ये बातें भी याद रखिएगा। और 7 सितंबर की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर और ब्लू स्काई ये सेलिब्रेट किया जाता है किस तारीख को, आपका 7 सितंबर को। तो ये सारी डेट्स भी बार बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको याद होता रहे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना दिया गया है, भारत का रैंक कितना दिया गया, ठीक है, ऋषिका, दीपक, रेशम, आश्मी, हिमांशु, प्रेम, ठीक है, आइए देखते हैं इसमें भारत का रैंक 132, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 132 है इंडिया का रैंक। अगर टोटल कंट्रीज की बात करें कि कितने कंट्रीज में ये किया गया है, तो वो है 191, ठीक है, टोटल कंट्रीज जो है ये है 191, अगर भारत की बात करें 132। टॉप पे कौन सी कंट्री है, टॉप पे कौन सा कंट्री है, टॉप पे हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, टॉप पे है स्विट्जरलैंड। सेकंड पे कौन सी कंट्री है, सेकंड पोजीशन पे नॉर्वे, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे नॉर्वे। और थर्ड पोजीशन पे कौन है, ये है आइसलैंड, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आइसलैंड। तो ये टॉप 3 कंट्रीज याद रखिएगा। फोर्थ पोजीशन की अगर बात करें तो 2 कंट्रीज है, चौथा पे 2 कंट्रीज है, कौन सा, एक हो गया आपका हांगकांग और दूसरा हो गया चाइना, ठीक है, दूसरा हो गया चाइना, तो ये फोर्थ हो गया। और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ पे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये अभी जारी किया गया है, ये रैंक याद रखिएगा। टॉप 5 कंट्रीज तो जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल टॉप 5 पूछा जाता है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, फोर्थ पोजीशन पे कौन है, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आपको टॉप 5 तो एटलीस्ट याद रखना ही होगा। तो ये टॉप 5 आप याद रखिएगा। टोटल कंट्रीज था 191, इंडिया का रैंक 132, लास्ट में कौन है, 191 पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, 191 पोजीशन पे साउथ सूडान, ठीक है, लास्ट पे है आपका साउथ सूडान, जो कि लास्ट कंट्री बना है, तो ये लास्ट कंट्री भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। चलिए सही है। और यूएस की बात करें तो यूएस किसका रैंक कितना है, यूएस का इसमें रैंक है 21, ठीक है, यूएस का रैंक है 21। और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, बताइए हु हैज वन 2022 ज्यूरिख डायमंड लीग, ज्यूरिख डायमंड लीग अभी किसने जीत लिया है, ज्यूरिख डायमंड लीग अभी किसने जीत लिया है, जल्दी से बताइए, ठीक है, प्रेम, संजू, मुस्कान, प्रियंका, और ये है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ज्यूरिख डायमंड लीग जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है, याद रखिएगा। कितने मीटर दूर भाला फेंक के, क्योंकि ये आपको पता है जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता था, और इसी के साथ अभी इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग को जीत लिया है। कितने मीटर दूर भाला फेंक के इन्होंने जैवलिन थ्रो किया, कितने मीटर फेंके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 88.44 मीटर, ठीक है, 88.44 मीटर इन्होंने थ्रो किया था। चलिए सही है। सेकंड पोजीशन पे है जाकुब और थर्ड पोजीशन पे है जूलियन, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे जूलियन। और ये जो जूलियन वेबर है ये किस कंट्री से है, जो थर्ड पोजीशन पे है ये है आपके जर्मनी से, ठीक है, ये जर्मनी से है थर्ड पोजीशन पे। जो सेकंड पे है जाकुब, ये है चेक रिपब्लिक से, ये किस कंट्री से है, चेक रिपब्लिक कंट्री से है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसे अगर प्राइज मनी की बात करें तो 30,000 प्राइज मनी दिया जाता है, ठीक है, 30,000 USD इसमें प्राइज मनी दिए जाते हैं। चलिए ठीक है, और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा मेधावी सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया, हु हैज कंफर्मड विद मेरिटोरियस
सर्विस मेडल बाय सिंगापुर प्रेसिडेंट। सिंगापुर प्रेसिडेंट के द्वारा अभी जो एक अवार्ड दिया गया मेरिटोरियस सर्विस मेडल, तो बताइए किनको दिया गया, किनको दिया गया ये मेरिटोरियस सर्विस मेडल? ठीक है, और ये है सुनील लांबा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सुनील लांबा को अभी ये मेरिटोरियस सर्विस मेडल दिया गया सिंगापुर के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। तो जल्दी से लिखिए सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है, सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? चलिए ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ स्टोरी। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये किताब लिखा गया है किनके द्वारा, ये बुक किन्नियों ने लिखा है, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर कौन है, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये है प्रोफेसर फुलापरे बालाकृष्णन। ठीक है, प्रोफेसर फुलापरे बालाकृष्णन, इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखा गया इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, याद रखिएगा। चलिए सही है, और इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे कुछ और नाम देख रहे हैं, जैसे भावना सौम्या, इनके द्वारा एक किताब लिखा गया था, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम क्या है? ठीक है, ये बुक देखिए एक्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही लिखा गया था, एक पोयम की बुक थी, इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है। ठीक है, ये बुक अभी लॉन्च नहीं किया गया, अगस्त महीने में बोला गया था कि लॉन्च किया जाएगा बट किया नहीं गया, हो सकता है नेक्स्ट मंथ किया जाए। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया था, कुछ पोयम के कलेक्शन थे, उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, किसने, भावना सौम्या ने। इसी के साथ मोहसिन हामिद की बात करें, मोहसिन हामिद को इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का नाम क्या है, द लास्ट वाइट मैन, ये बुक लिखा गया है मोहसिन हामिद के द्वारा। चलिए ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गए एफएमसीजी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बना दिया गया, बताइए। और एक एफएमसीजी कंपनी जो है उसका नाम है कंपनी का पिंटोला, ये नाम है कंपनी का जो कि एफएमसीजी कंपनी है, तो बताइए उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिए गए हैं, बी आर आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं, ये है, ठीक है, ये सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये सुनील छेत्री जिसको कि इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले किच्चा संदीप का नाम सुना था, इनको एक योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और वो योजना कौन सा है, पुण्य कोटि दातु योजना। ठीक है, पुण्य कोटि दातु योजना, इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये बने किच्चा संदीप। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको, ऋषभ पंत को। शाहिद कपूर की बात करें, शाहिद कपूर को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, किसका बनाया गया था, शाहिद कपूर को ब्रांड एम्बेसडर pokerbaazi.com। ठीक है, pokerbaazi.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था शाहिद कपूर को। इसी के साथ अभी हाल ही में अपर केस का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया था, ये बनाया गया था जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये सारे याद रखिएगा, अभी हाल ही में बने थे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हू बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं, नए सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के किनको बनाया गया, उनका नाम क्या है? और ये देखिए, ये है शाजी प्रभाकरन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शाजी प्रभाकरन, इनको अभी न्यू सेक्रेटरी जनरल बनाया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, याद रखिएगा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं तो आपको इनके हाल ही में प्रेसिडेंट बनाए गए उनका नाम क्या है, हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है कल्याण चौबे। ठीक है, कल्याण चौबे ये नए प्रेसिडेंट बने इसके, और अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो शाजी प्रभाकरन। इसी के साथ अगर बात करें तो नए डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल भी बनाए गए, न्यू डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ये किनको बनाया गया, डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुनंदा धर। ठीक है, सुनंदा
धर ये बनाए गए नए डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल थे। ये तीन नाम तो जरूर यहाँ से याद रखिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट, अभी बनाए गए सेक्रेटरी जनरल और डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, ये तीनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और इसी के साथ कुछ नाम देख रहे हैं, महेश वी अय्यर, ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, नियुक्त किए गए कहीं पे, कहाँ पे, ये नए चेयरमैन बनाए गए महानगर गैस लिमिटेड के। ठीक है, नए चेयरमैन बने हैं महानगर गैस लिमिटेड के, सुएला ब्रावरमैन। ठीक है, सुएला ब्रावरमैन ये भी अभी इंडियन ओरिजिन है, जो कि होम सेक्रेटरी बनाई गई है, कहाँ पे, यूएस में, सॉरी यूके में। ठीक है, यूके में होम सेक्रेटरी बनाई गई है सुएला ब्रावरमैन, जो कि इंडियन ओरिजिन है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और इसी के साथ एक और नाम है संजय वर्मा का, ये क्या चीज है, अभी अपॉइंट किया गया, ये किस चीज में अभी इनको अपॉइंटमेंट मिला है, तो ये अभी बनाए गए इंडिया नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कैनेडा। ठीक है, कैनेडा में अभी हाई कमिश्नर बनाए गए भारत की तरफ से, किनको, संजय वर्मा को। तो ये सारी बात याद रखिएगा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका स्थापना कब हुआ था बताइए, इसका स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1937 में। ठीक है, 1937 में हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको इसका, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन हमारा यही एंड होता है, फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ, आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए और डेली क्लासेस कीजिए एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में सुबह 6 बजे। थैंक यू सो मच।